Good morning students, welcome back to the computer class beta. I hope in the previous lecture aapne us video ko bahut dhyan se dekha hoga and you know very well now how to insert the pictures in MS Word and what we can do in the MS Word. Maine aapko previous lecture mein bhi bataya tha and in Zoom class also, in MS Word we have to prepare our documents, but these documents are not more attractive or more effective लाइक इन एम एस पावर पॉइंट. पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम उसमें कलर इफेक्ट्स भी यूज करते थे, हम एनिमेशंस भी यूज करते थे, हम टेक्स्ट स्टाइल्स भी चेंज कर सकते थे, हम थीम्स भी चेंज करते थे, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन क्या होती थी, मोर अट्रैक्टिव होती थी. लेकिन एम एस वर्ड में क्या है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस, बट इन एम एस वर्ड वी हैव टू मेक अवर डॉक्यूमेंट्स मोर अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ हाउ, विद द हेल्प ऑफ सम कंपोनेंट्स लाइक we are going to add some pictures in it, how we can resize it and how we can stretch it. hum unhe stretch bhi kaise kar sakte hain, hum unhe positions kaise de sakte hain. Now the second component is in ms word is word art. Today we are going to discuss about word art. The meaning of word art is that jo aap text likhte ho डॉक्यूमेंटेशन में, एमएस वर्ड में जो आप टेक्स्ट राइट करते हो, उन टेक्स्ट का आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आप उन टेक्स्ट के कलर्स भी चेंज कर सकते हो, लाइक आप एरियल राइटिंग स्टाइल यूज कर रहे हो. देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड आर्ट डिजाइन्स आर गिवन इन योर एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, इन योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यू हैव टू चूज एनी वन अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड यू हैव टू चेंज द कलर ऑफ इट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर नीड. नाउ After this, I am going to show you a video in which you have to see how we can change the word, how we can change the style of our words, and how we can change the color of our words. Hello students, आज हम करेंगे inserting word art. कल हमने किया था हम कैसे शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं और उस शेप में हम टेक्स्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं. आज हम करेंगे word art और उसको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. बेसिकली वर्ड आर्ट क्या होती है, वर्ड आर्ट एक कमांड है जिसको यूज किया जाता है डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए हमारी डॉक्यूमेंट में. इट लुक्स लाइक इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव दिखाई देती है और अट्रैक्टिव दिखाई देती है, काफी आई कैचिंग होती है, जिससे लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता है कि हमारी हेडिंग क्या है. और मेनली ये हेडिंग्स लिखने के लिए यूज की जाती है. अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने हेडिंग लिखी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है, जिसमें मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है. लेकिन अगर मुझे इसी हेडिंग को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी है, वर्ड आर्ट. तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है. इंसर्ट टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इलस्ट्रेशन सॉरी टेक्स्ट ग्रुप में हमारा क्या है, ऑप्शन वर्ड आर्ट. किस ग्रुप में जाना है हमें, टेक्स्ट में, जिसमें हमारा ऑप्शन क्या है, वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या है हमारे पास, वर्ड आर्ट्स है. इसमें से हमें कोई भी एक सिंगल वर्ड आर्ट सिलेक्ट करनी है. उसके बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इस डायलॉग बॉक्स में का नाम क्या है, एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट, कि आपको जो टेक्स्ट शो करना है अपने वर्ड आर्ट में आप वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे. टाइप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वर्ड आर्ट, ठीक है. तो यहाँ से आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लिखने का कैसा है होना चाहिए, ठीक है. यहाँ से आप उसके साइज भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप उसको चाहे तो बोल्ड भी बना सकते हैं और इटैलिक भी यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, ओके प्रेस करना है. तो ये देखिए जो आपका वर्ड आर्ट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है. इसको हम रिसाइज कर देंगे इस तरह से. तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऊपर वर्ड आर्ट लिखा है, यहाँ पर ये वर्ड आर्ट काफी सिंपल तरीके से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने वर्ड आर्ट लिखा है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने का मेन लॉजिक क्या है, कि आपकी जो हेडिंग है टेक्स्ट की, डॉक्यूमेंट की, आप उसको क्या कर सके, अट्रैक्टिव बना सके, ताकि वो लोगों को क्या लगे, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगे.
अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम वर्ड आर्ट को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हम किसी भी चीज को ज्यादा इफेक्टिव तभी तो बना सकते हैं जब हम उसकी क्या करें, फॉर्मेटिंग करें। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम उसके जो वर्ड्स हैं, यानी कि जैसे मैंने इसमें लिखा है वर्ड आर्ट, तो जो इसमें वर्ड्स यूज किए उसकी जो फीलिंग है हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो उसकी आउटलाइन है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं और इफेक्ट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे करेंगे हम, बाय क्लिकिंग ऑन इट। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्मेट नाम से टैब आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर वर्ड स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल देख सकते हैं, जो भी आप वर्ड स्टाइल चूज करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप वर्ड स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वर्ड आर्ट की शेप को फिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिफरेंट कलर में आप उसकी वर्ड आर्ट को शेप को फिल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसमें पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसमें टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है, आप जिस भी तरीके से चाहे अपने वर्ड आर्ट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर आउटलाइन चेंज करनी है, तो आउटलाइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम आउटलाइन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी आउटलाइन को डिफरेंट बना सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ही मैं दूसरे कलर पर लेकर जा रही हूँ, तो जो हमारा यहाँ पर वर्ड आर्ट का कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे रेड कलर लेते हैं, तो रेड कलर लिया हमने, यहाँ से हम उसकी वेट को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इजिली कि जो हमारी आउटलाइन है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। दूसरा नेक्स्ट क्या है आपका कि अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप शेप भी इजिली चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी अपने फेवरेट जो है शेप वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्ड आर्ट में कोई भी शेप का यूज कर सकते हैं। क्लियर, जो भी आपको शेप पसंद आए आप वो शेप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से भी शेप ले सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा कर्व भी ले सकते हैं, आप ये डाउन कर्व भी ले सकते हैं, राउंड शेप में भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या किया है, हमने सीखा कि हम वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, बैक क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट बटन, इंसर्ट टैब, इन द टेक्स्ट ग्रुप वी हैव एन ऑप्शन दैट इज वर्ड आर्ट। आफ्टर सिलेक्टिंग द वर्ड आर्ट वी कैन राइट द टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी कैन फॉर्मेट आवर वर्ड आर्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ इंसर्टिंग वर्ड आर्ट एट योर होम। थैंक यू।